पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनी ट्यूब बुक का चैप्टर 6। दिस इज जोडीज फोन। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। इसमें है कि कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी कट लग जाता है या जल जाता है हाथ पैर वगैरह, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय कुछ घरेलू नुस्खे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसमें जो जोडी एक बच्चा है, उसके फादर को काट लिया था एक रेटल स्नेक ने। बिटन का मतलब होता है काट लेना, रेटल स्नेक एक टाइप का स्नेक होता है, काफी जहरीला होता है और उसकी पूंछ से काफी तेज तेज वो आवाज निकालता है। तो इस टाइप का वो स्नेक है। तो अगर रेटल स्नेक काट ले और तुरंत ही उस पर किसी डो के हार्ट और लिवर का जो है, हार्ट और लिवर को उस पर लगा लिया जाए उस जगह पर जहाँ पर रेटल स्टिंग ने काटा है, तो वो पॉइजन जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जो जोड़ी है वो ये सोच रहा है कि जो डो है उसको तो उसके फादर ने मार दिया है, अब जो उस डो का बच्चा है, जो फॉन है, उसका वो क्या होगा बिना अपनी माँ के। डो देखिए होती है फीमेल डियर ना, और फॉन होता है उस डियर का बच्चा, उस डियर का बेबी। बेबी डियर होता है फॉन और डो होती है एक फीमेल डियर। तो यही थॉट्स जो है चल रही होती हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ी जो है वो सोच रहा होता है और उसकी जो थॉट्स होती हैं सारी की सारी, वो आकर के मतलब बार बार जा रही होती हैं एक फॉन पर, मतलब डियर के बच्चे पर। और उसका जो जोड़ी का माइंड है वो इस बात से दूर हो ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो अपने मतलब ऐसा लगता है ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, उसको ऐसा लगता है उसने उस फोन को अपने सपने में और अपनी आर्म्स में उसको पकड़ रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। पेनी ले एट रेस्ट, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। तो वो जो होता है, जोड़ी होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, मतलब वो ऐसे बेड पे लेटा हुआ होता है। फिर वो एकदम से अपने उतरता है वहाँ से और अपने फादर के पास जाता है, और जो उसके फादर का नाम होता है पेनी, उसके फादर रेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी जो आईज हैं वो पूरी तरह क्लियर और ओपन होती है, मगर जो प्यूपिल है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना जो आईज का, वो ऐसे लगता है जैसे कि अभी भी डार्क सा है और थोड़ा बाहर की तरफ जैसे निकला हुआ है, बड़ा हो गया है। डायलेटेड का मतलब होता है एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है। फिर जोडी जो है अपने फादर से पूछता है कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं, तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि अब मैं मतलब सही हूँ, जो ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर। इसका मतलब है जो डेथ उसके सर पे मंडरा रही थी, अब वो वहाँ से जा चुकी है। अगर वो कहता है इट वॉज अ क्लोज शेव, इट वॉज अ क्लोज शेव का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा पास से आकर के गुजरी। वो कहते हैं कि हाँ आई अग्री। पेनी कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड हूँ बॉय तुम पर कि